Hi guys, I hope all are you doing great. So today's video is all about winter skin care routine. So let's get started. And guys, मैं आप लोगों को hair care tips भी दूंगी तो आप लोगों को देखो ऐसे करके बाल बिल्कुल भी छटकने नहीं होते इससे क्या होता है ना end हो जाते हैं और डैमेज हो जाते हैं बाल तो ऐसे करके बहुत प्यार से आप लोगों को बालों को ऐसे सहलाना है इससे बाल टूटते भी नहीं हैं और देखो आप लोग मैंने जो टॉवल यूज़ करा है ना वो है कॉटन का कॉटन का टॉवल यूज़ करने से क्या होता है बाल बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं और बहुत एक्सेस वाटर जो होता है बालों में ये एकदम से उसको सोक कर लेता है तो कॉटन का टावल बेस्ट है तो जल्दी जल्दी से करते हैं स्किन केयर रूटीन एंड मैंने पहना हुआ है हाईनेक तो जल्दी जल्दी से इसको नीचे कर लेते हैं और स्किन जो है ना विंटर्स में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता ड्राई वालों की तो बहुत एक्सेस ड्राई हो जाती है और ऑयली वालों की भी ड्राई हो जाती है मेरी तो कॉम्बिनेशन है तो देखो सबसे पहले मैंने यहां पर गुलाब जल एज अ टोनर यूज करा है और विंटर्स की बात है तो उसमें मैं आप लोग को बता दूं अगर आप लोग उसमें थोड़ा सा ग्लीसरीन यूज करते हैं ना तो आपकी स्किन जो है बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रहती है डे आप लोगों को जरूरत ही नहीं होगी मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि मेरी स्किन ड्राई हो रही है और कुछ लगाया नहीं है ऐसा फील ही नहीं होगा एंड आप लोग देखो मैंने हल्के हल्के हाथों से थोड़ा सा मसाज भी कर लिया है इसी बहाने थोड़ा स्किन को टाइम देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है ना डेली रूटीन में स्किन के लिए टाइम निकालना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है तो जब हम लोग थोड़े बहुत अपने प्रोडक्ट यूज़ करते डेली लाइफ के तो अगर हम उसी से मसाज कर लें तो हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है तो सेकंड मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपनी स्किन को मॉइस्चराइज और इसमें मैंने लिया है वी का हनी मॉइस्चराइज़र और थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा ही लिया है क्योंकि विंटर्स हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी स्किन को और देखो मैं कितने प्यार से लगा रही हूँ और थोड़ा सा मैं मसाज भी करूँगी जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को एंड दोस्तों अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बताती हूँ पहले मैं ये सब कुछ यूज़ करती ही नहीं थी बट धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं इससे क्या होता ना व्रिंकल्स वगैरह नहीं आते स्किन में जो भी एजिंग साइन होता है देखो एजिंग साइन और ये सब प्रिंकल्स वगैरह तो एक बार आना ही है बट इससे क्या हो जाता है ना थोड़ा सा डिले हो जाता है और मैं बता दूं आप लोगों को जो भी बहुत यंग एज वाले हैं ना वो भी इस स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं और जो अब ऑफ ट्वेंटी फाइव हो चुके हैं उनके लिए तो ये मस्ट है कम्पलसरी आप लोगों को, को यूज़ करना ही चाहिए डेली लाइफ में सबसे पहले टोनर का यूज़ गुलाब जल ले लो या फिर कोई भी टोनर ले लो आप लोग मार्केट से जो भी अवेलेबल है और अच्छी कंपनी का है और सेकेंडली मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है अपनी स्किन को और थोड़ा सा मैंने मसाज भी कर लिया और हाथों में भी लगा लेते हैं एंड जैसे जैसे मैंने वीडियोज़ देखना शुरू करा और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का जो भी है रूटीन देखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि ये सब तो बहुत ज़्यादा जरूरी है यार हम लोग तो बहुत सारी चीजें मतलब पता ही नहीं रहती हम लोगों को एंड लास्ट स्टेप बोलूंगी मैं मेरा है ये सनस्क्रीन और सनस्क्रीन तो इतना ज्यादा जरूरी है ना दोस्तों अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूं मैं सनस्क्रीन में जब यूज नहीं करती थी तो मेरा इतना पिगमेंटेशन होता था, था स्किन में और इतने पिंपल्स निकलते थे और पिगमेंटेशन का जो मेन रीजन है ना वो है कि हम सनस्क्रीन यूज नहीं करते जो भी झाइया होती है हमारी स्किन में जस्ट बिकॉज फिफ्टी तो जब हम सनस्क्रीन यूज नहीं करते हैं उस चीज से होता है और ये मेरे को स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने रिकमेंड किया और उन्होंने मुझे बताया इसकी तभी मैं आप लोगों को बता पा रही हूं। तो अभी मैंने यहाँ पे गार्नियर का लिया हुआ है विटामिन विटामिन सी सी सीरम इसमें इसमें लिखा हुआ था भी है है और जो है, सन प्रोटेक्शन फार्मूला इसी टाइप का है तो वो फोर्टी है तो इससे पहले मैं सिप्ला का रिवेला यूज करती आ रही हूँ छह सात सालों से कंटिन्यूस उसमें है फिफ्टी परसेंट एसपीएफ है और जाड़ों के लिए विंटर्स के लिए सबसे बेस्ट है और जिसकी भी ड्राई स्किन ने, उनके लिए तो बेस्ट है मेरी तो थोड़ी बहुत कॉम्बिनेशन है तब भी मैं उसको यूज करती हूँ उससे ना स्किन भी एकदम मॉइस्चराइज हो जाती है अगर आपने मॉइस्चराइजर भी यूज नहीं करा है अगर वही भी आप लगाओ तो उससे भी बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज हो, हो जाता है और लेकिन अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है जस्ट मेरा दो तीन दिन से खत्म ही हुआ है वो तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं एक एक्स्ट्रा अपने पास रखती ही हूँ तो ऐसे वो ऑफलाइन स्टोर्स पे मिलता भी नहीं है तो मैं उसको ऑनलाइन मंगाऊँगी और ये वाला जो है ना गार्नियर का वो मैं कैंटीन से लेके आई थी तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ वैसे भी एस पी एफ पट्टी तो है ही इसमें तो लगा ही लिया है ना तो स्किन केयर तो देखो मेरे प्रोडक्ट्स जो भी है मैंने आप लोग को बता दिया है एंड जो भी आपके स्किन पे सूट होता है और अवेलेबल है आ, नियर बाय यू तो आप लोग वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं फिर मैं लगा रही हूँ यहाँ पर काजल काजल के लिए भी बहुत लोग पूछते हैं मेरे से कि आप कैसे लगाते हो तो काजल लगाने का ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगी बहुत सारे लोगों ने मेरे से पहले भी पूछा हुआ है और अभी भी मेरे को पूछते हैं कि क्या लगाते हो तो सबसे पहले जो नॉर्मल काजल होता है जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल है मैंने यहाँ पर लैकमे का यूज़ किया हुआ है वो अपनी वाटर लाइन पर लगा लेना है अच्छे से देन उसके बाद जो मैं ट्रिक है वो बताने जा रही हूँ आप लोगों को मैंने यहाँ पे लेक में का आई लाइनर ले रखा है आप लोग कोई भी ले सकते हैं जो भी आप लोग के पास अवेलेबल है तो देखो जहां जहाँ पर भी काजल लगा है ना और थोड़ा सा वाटर लाइन से नीचे ठीक है उसमें स्किन में थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के हाथों से आई को ऐसे करके लगाना है एंड गाइज आप लोग बिलीव नहीं करोगे ये लुक इतना अच्छा लगता है और जो आइज होती है ना बहुत ओपन ओपन लगती है मतलब खुली खुली लगती है और थोड़ी सी बड़ी बड़ी आइज लगती है अगर जस्ट आप वाटर लाइन पे लगाते हो ना तो उससे आपकी आंखें थोड़ी सी छोटी दिखती है लेकिन अगर आप लोग ऐसे थोड़ा सा नीचे खिसका के लगाते हो ना तो आप लोग डिफरेंस देख सकते हो एंड दूसरे में मैंने लगा दिया है और आईब्रोज का मैं खुद इस बनाने वाली हूँ तो आप लोग को वो वीडियो भी मिल जाएगा करवा चौथ के लिए मैं घर पे ही बनाऊंगी क्योंकि पार्लर वालों का मेरे को सच में समझ ही नहीं आता जो बोलते हैं वो मतलब करते ही नहीं है अपने हिसाब से कर लेते हैं तो मैं खुद से बनाऊंगी और वीडियो भी जरूर आएगा आप लोगों के पास आप लोग सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए ज्यादा और मैंने यहाँ पर जॉय का लिप बाम ले लिया है लिप बाम लगाना भी बहुत जरूरी है मेरे लिप्स तो हमेशा ही फटते रहते हैं तो मैं तो हमेशा यूज करती हूँ तो आंखें काली काली होना तो बिंदी काली होना तो मजा ही आ जाता है एक बार जरूर यूज करना ये वाला मतलब आप लोग को फील होगा कि यार काली आंखों के साथ काली बिंदी इतनी मस्त जाती है ना जैसे आप लोग रेडी होते ना तो उस टाइम पे तो बहुत अच्छा लगता है और देखो मैं यहां पर ले रही हूं एक और ट्रिक बताने वाली हूं बेसिकली आप लोगों को यहां पर मैंने टिन टिन का कॉम्पैक्ट पाउडर यहाँ पर लिया हुआ है उसको मैंने थोड़ा थोड़ा काजल जहाँ पर लगाया था उसके नीचे ऐसे लगा लिया है इससे क्या होता है ना जो भी काजल होता है वो स्मच नहीं होता है मतलब दूसरे दिन तक आप लोग देखोगे कि आपका काजल तो फैला ही नहीं है तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है जो भी लूज़ पाउडर भी आप लोग के घर में उसे भी यूज़ कर सकते हैं पॉन्स का सबके घर में रहता है वो यूज़ कर सकते हैं और देखो अब देखो मेरा फाइनल लुक इतना बढ़िया लग रहा है एंड गाइस अभी मेरा मेकअप कम्प्लीट नहीं हुआ है मेरे को सिंदूर लगाना है बालों में बालों में नहीं अपनी मांग में बट मेरे बाल यहाँ पर गीले हैं और पर्सनली मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ अगर मैंने गीले बालों में सिंदूर लगाया ना तो वहाँ पर मेरे थोड़े से बाल गायब जैसे हो गए हैं सच बता रही हो तो गीले बालों में कभी भी सिंदूर ना लगाएं जब ड्राई हो जाएँ तब लगाएं और मैंने यहाँ पर आप लोग को ट्रिक बताई जब भी आप लोग के स्प्लिट एंड वगैरह होते हैं ना तो गीले बालों में ही थोड़ा सा ऑयल अपने हाथ में लें और ऐसे बालों में लगा लें तो उससे स्प्लिट एंड एकदम से खत्म हो जाते हैं ख़त्म तो नहीं हो जाते धीरे धीरे कम हो जाते हैं आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस इस प्रोसेस को करने में आप लोगों का पांच से दस मिनट जाएगा दैट्स इट और मैं देखो बाहर पे बालों को सुखार्यू आराम से बैठ के आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा इफ यू लाइक माई वीडियोस सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच वीडियोस थैंक्स फॉर वॉचिंग बाई